आज से हमारे कृष्णा बहू की गृहस्थी शुरू। और प्रतिज्ञा जी, खाना बनाना तो आता होगा ना आपको? तो खा के पता चल ही जाएगा। इसीलिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो ससुर जी है ना, खाने पीने में बहुत मीन मेख वाले हैं। खाना पसंद नहीं आए ना उनको तो सीधे उठा के मुंह पर। हमको कोनो बैर तो है नहीं तुमसे। तुम्हारे मुंह की चिंता हो गई इसीलिए पूछ ली। जा। अरे अब जो होगा वो तो होगा, डराएगा रही है? बनाया तो है ना उसने, को खा लेंगे फिर बताएंगे कैसा है। पकड़ पकड़ किए जा रही थी। सही बात, दूसरे को सीख देने का इनको बहुत शौक है और खुद कौनो बात सीधे समझाओ तो नहीं, जबान टेढ़ी करो भन्न से समझ में आ जाएगी तुमको। चाय। क्या बोलती हो? कला तो है बहुरिया में। समधन ने बढ़िया खाना बनाना सिखाए कि यहां पे भेजा है। क्या बोलती हो बोलो? अरे घंटी बजाओ ना। हाँ, देखो बेटा, हम तुमको मानते हैं। आज तुमने घर घर को खुश कर दिया और हम तुमको अभी तो कुछ नहीं देंगे, हम तुमको हवन के बाद देंगे। तब तक तुम तोहफे का इंतजार करना। जाओ हवन की तैयारी शुरू करो।
आज तक हम अपने घर में कलछुल कढ़ाई नहीं छुए थे। ये सब तो नौकरों का काम है ना। अरे तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए हलवा बना के लाए। अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बहुत ही वाहियात काम होता है एक खाना बनाना। साला नमक, तेल, मिर्च, पिसान, ये सब हमरे बस का नहीं है। अरे आप लोगों को खुश होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए हमरा। अरे राज घराने के पली बड़े हैं हम। ये सब कलचुल घुमाना तो तुम लोगों के घर पे आके करना पड़ रहा है हमको। अब क्या करूं? शादी की है तो शादी का झंझट भी झेलना ही पड़ेगा। चलो मजे लेके खाओ। और इसके बाद क्या करना ये तो पता है ना? सब लोग मिलके हमको तोहफा देंगे। देखो बेटा, राजघराने में क्या तोहफा दिया जाता है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम बहुत साधारण लोग हैं और राजघराने की बराबरी करने की हमारी हैसियत भी नहीं है। पर हां, हम तुम्हें जो कुछ भी देंगे वो तोहफा नहीं बल्कि इस घर, इस परिवार का प्यार समझ के रख लेना बेटा। यहां ये लो बेटा, हम सब की तरफ से। कैसी बदतमीज लड़की है। अरे इसके अंदर तो दूसरों की भावना समझने की अक्कल ही नहीं है।